हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्रैक कोर्स। क्रैक कोर्स में आज का पहला वीडियो जो रहने वाला है वो रहेगा आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को देखेंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को सीखेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है द्रविड़ शर्मा और मेरे को 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है आपका नीट यूजी की फील्ड में। और अभी मैं करंट में अनअकैडमी में एज अ डाउट सॉल्विंग एडुकेटर वर्क कर रहा हूँ नीट यूजी के लिए। और मैं एक्स कोटा कैरियर क्लासेस में भी फैकल्टी रहा हूँ और यहाँ पर भी मैंने नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो खैर मैटर नहीं करती कि कितना एक्सपीरियंस है और क्या है, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है क्या आपको मेरा पढ़ावा समझ आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी होती हैं, जरूरी होती है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो या नहीं। तो चलिए, अब ज़्यादा बात ना करके स्टार्ट करते हैं अपना क्रैक कोर्स। देखिए, चैप्टर में हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं। क्रैश कोर्स में हम लोग यहाँ पर पूरा पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे और थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी के बाहर भी जाने वाला हूँ, बट आई एश्योर यू कि एनसीईआरटी तो पूरा आपका होगा। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्रैक कोर्स को और हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को। तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। सो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि बताइए साहब कि सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। सो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे अगर आपको आता है तो। और इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ और आपको, ठीक है। सो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका ब्लड। ब्लड क्या है आपका, सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में प्रॉपरली, अगर चैप्टर में आए तो हमें ब्लड के बारे में समझना है। तो ब्लड के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात, ब्लड क्या है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, तो आप बता सकते हैं स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो यहाँ पर जब जब मैं सीपी लिखूंगा इसका मतलब क्या रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू की। सो ये पॉइंट भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्लड क्या क्या कंटेन करता है, ब्लड में आपको मेनली 2 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा प्लाज्मा, सेकंड आपको मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का होता क्या है, प्लाज्मा होता है आप बता सकते हैं लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, प्लाज्मा कह रहे हैं। और स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। जब आप स्मॉल क्लास में रहे होंगे तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि बेटा बायोलॉजी क्या होता है, बेटा जूलॉजी क्या होता है। सो अब आपको ने एक डेफिनेशन रटी होगी, आपने समझी होगी कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। सो हमेशा ध्यान रखेंगे बायो में ये जो लॉजी शब्द होता है ना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है स्टडी को। सो जैसे बायो, बायो का मतलब क्या हो गया लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या हो गया स्टडी, ठीक उसी तरीके से जू, जू शब्द आप इसके लिए यूज कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं। सो स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी, ठीक वैसे ही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, हीम बर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हीम बर्ड का मतलब है यहाँ पर ब्लड से, ठीक है। मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो हीम बर्ड किसके लिए इंडिकेट होता है, ये आपका ब्लड के लिए होता है। सो मैं आपसे कह रहा हूँ हीमेटोलॉजी, मतलब मैं आपसे, और लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी होगा। सो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि सर द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। तो चलिए, यहाँ तक अब मैं समझता हूँ, ये सारी छोटी छोटी बातें आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की, सो ब्लड के क्या क्या फंक्शन हैं। सो देखिए, ब्लड के जो मेन फंक्शन है वे कितने हैं, 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन। थर्ड फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। सो ये 3 मेन फंक्शन है किसके, ब्लड के। आप लोग यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, तो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा साहब, यहाँ पर होगा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। रेगुलेशन की बात करते हैं तो क्या रेगुलेट करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करता है, पीएच रेगुलेट करता है,
ठीक है, ओपी का मतलब यहाँ पे क्या है, ओपी का मतलब यहाँ पर है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब गेम वाला ओपी मत समझ लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर, पीएच होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, और आप बता सकते हैं होम्योस्टेसिस को भी क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी है तो मैक्रोफेजिस भी होंगे और आपका क्लोटिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लड के टेबल को। ब्लड का टेबल यहाँ पर आप, मैं यही कहूँगा कि ब्लड का जो मैं आपको टेबल देने वाला हूँ अच्छे से याद करिए, क्वेश्चन इससे मैक्सिमम टाइम बनते हैं और बनते रहेंगे, हो सकता है आपको इस ईयर भी देखने मिल जाए। ऐसा करते हैं, टेबल देखने से पहले मैं थोड़े से आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ ब्लड के। फटाफट आप क्या करेंगे, अब अगली हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ ब्लड। यहाँ पर आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका, अगर बात करते हैं पीएच की, तो पीएच कितना होता है, पीएच होता है इसका 7.352 7.45, मतलब मैं कह सकता हूँ ये कहीं ना कहीं स्लाइटली कैसा है, एल्कलाइन है, स्लाइटली एल्कलाइन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप इसका क्या याद रखेंगे कि ये क्या है आपका, मोर डेंसर देन वाटर, मोर डेंसर देन वाटर। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करते हैं, सो एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कितना होता है, ये होता है आपका 5 लीटर, पर ये बैरी करता है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेल की, सो मेल में ये होगा आपका 5 to 6 लीटर, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फीमेल की, तो फीमेल में ये कितना होगा, 4 to 5 लीटर, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या करेंगे, इन्हें आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको एक टर्म और बताता हूँ मैं, एक टर्म होती है आपकी हीमेटोफोबिया। हीमेटोफोबिया, हीमेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, इसको एकदम थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको सही कर देते हैं। अगेन दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन था मेरा आपसे कि बताइए हीमेटोफोबिया क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फोबिया मतलब, ठीक है फोबिया तो है, और मैं आपको बता चुका हूँ हीम ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड। अब आप बता सकते हैं डेट फोबिया ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोफोबिया, फोबिया ऑफ ब्लड, फोबिया ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोफोबिया। ये थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक आप क्या कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेबल पर, ठीक है। इस टेबल को आप लोग क्या करेंगे, बड़े ही ध्यान से आपको इसे याद रखना है और एक दो बार बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के टेबल को। अगर हम बात करते हैं ब्लड में, मेनली आपको दो चीजें मिलती हैं, क्या क्या है, एक है आपका प्लाज्मा और एक है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर बात करते हैं प्लाज्मा की, तो ब्लड में 55% क्या है, प्लाज्मा है, और 45% क्या हो जाएगा आपका, फॉर्म एलिमेंट। और फॉर्म एलिमेंट में क्या आ जाएगा आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब आपको किसमें पढ़ने हैं, फॉर्म एलिमेंट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है फॉर्म एलिमेंट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, सो प्लाज्मा में देखिए क्या क्या आपको मिलेगा, प्लाज्मा में आपको मिलेगा वाटर, फिर इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर प्रोटीन, और आपको क्या मिलेगा, और आपको मिलेंगे अदर सोल्यूट्स, अदर सोल्यूट्स। सो वाटर की बात करते हैं, 92% क्या होता है, वाटर होता है, 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोटीन हैं जो आपको प्लाज्मा में मिलेंगे। यहाँ पर आपको मेनली 4 प्रोटीन मिलते हैं। सबसे पहला प्रोटीन क्या हो जाएगा, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन नंबर वन। सेकेंड प्रोटीन हो जाएगा आपका सीरम ग्लोब्यूलिन,
थर्ड रहेगा आपका फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। फोर्थ रहेगा आपका प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब चलिए इनके हम फंक्शन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शन से, सीरम एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? सीरम एल्ब्यूमिन क्या करता है? यह मेंटेन करता है, मेंटेन ब्लड कोलोइडल, ओस्मोटिक प्रेशर, बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू, सो आप ये ध्यान रखेंगे। सेकंड और एक चीज और ध्यान रख लेना इसके बारे में कि सीरम एल्ब्यूमिन क्या है, ये है मोस्ट अबेंडेंट, प्रोटीन इन ब्लड। कौन सा है? सीरम एल्ब्यूमिन। और यहाँ पर सेकंड अबेंडेंट प्रोटीन अगर आपसे पूछ लेता है, सो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्लोब्यूलिन। क्या रहेगा यहाँ पर? ग्लोब्यूलिन रहेगा। और ग्लोब्यूलिन का जो फंक्शन होता है वो किस चीज में होता है? फाइट इन्फेक्शंस, सो ये होता है यहाँ पर इनका फंक्शन। अब बात करते हैं फिब्रिनोजिन की और यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन की। फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों किसमें इन्वॉल्व है? ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लोटिंग में, वैसे ग्लोब्यूलिन में भी आप काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसा आप पढ़ेंगे अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, और यहाँ पर ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, सो इतना आपके लिए क्या रहेगा? सफिशियंट रहने वाला है, ठीक है। और प्लाज्मा के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो एनसीईआरटी ने बता रखा है, एनसीईआरटी ने इसका कलर के बारे में बताया, इसका कलर कैसा होता है? स्ट्रो कलर होता है। स्ट्रो कलर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं पेल येलो कलर, ठीक है। सो कलर कैसा हो गया? स्ट्रो कलर हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे, 55% होता है, और आप ध्यान रखेंगे कैसा फ्लूड है ये आपका बिस्कस फ्लूड है, थोड़ा कैसा फ्लूड है? बिस्कस फ्लूड है। सो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर इस टेबल में याद रख लेंगे। यहाँ पर प्लाज्मा में इतनी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं सफिशियंट है। और आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर अदर सोल्यूट्स में क्या क्या आएगा, तो अदर सोल्यूट्स में आ जाएगा आपका काफी सारी चीजें आ सकती हैं, जैसा आपका आ सकता है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मिनरल आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, तो ये सब आपके अदर सोल्यूट्स में आ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए यहाँ पर? प्रोटीन को याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम आते हैं फॉर्म एलिमेंट की तरफ। चलिए फॉर्म एलिमेंट में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, और आप इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और हमेशा ध्यान रखेंगे बायोलॉजी में साइट जहाँ पे भी यूज करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हम सेल की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपसे आरबीसी के बारे में, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डेट आरबीसी इज द मोस्ट अबेंडेंट, सेल इन द ब्लड, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? इसका नंबर, अगर हम बात करते हैं इसके नंबर की, तो कितना होएगा? 5 to 5.5 million ऑफ आरबीसी, पर mm³ ऑफ ब्लड, तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? तीसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर फॉर्म्ड होता है, आरबीसी कहाँ पर फॉर्म्ड होती है? ये फॉर्म्ड होती है रेड बोन मैरो में, ये फॉर्म होती है। अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है या फिर इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, इनका डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में, और स्प्लीन में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन को कहा जाता है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, और स्प्लीन को एक नाम से और जाना जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अब देखिए अगर हम बात करते हैं आरबीसी के स्ट्रक्चर की, मैं यहाँ पर एक ग्राफ स्ट्रक्चर आपके लिए बना देता हूँ। ये हो गया हमारा आरबीसी। आरबीसी में आपको क्या क्या देखने मिलेगा? आरबीसी में आपको देखने के लिए मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, ये जो अंदर की तरफ होता है इसको क्या कहते हैं? साइटोसोल। क्या कहेंगे इसको? साइटोसोल कहेंगे। लेकिन जब आप हायर स्टडीज करेंगे, जब आप कॉलेजेस में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं,
आरबीसी में, उसको आप मेडिकल कॉलेज में क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डोनन्स मेम्ब्रेन, डोनन्स मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस वगैरह नहीं मिलता। सो ये पॉइंट ऑन नोट कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। सो न्यूक्लियस एब्सेंट। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो देखिए अब न्यूक्लियस नहीं है, अब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है और ये क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ आपसे कि न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया, और ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि ये कैसा है, यहाँ पर न्यूक्लियस आपको नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि डेट आरबीसी कंटेन 33% हीमोग्लोबिन, और वन हीमोग्लोबिन कैरी फोर ऑक्सीजन, फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये चार ऑक्सीजन को कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि 100 ml of blood में आपको कितने हीमोग्लोबिन मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपको 100 ml ऑफ ब्लड में देखने मिलता है। देखिए हीमोग्लोबिन को HB से भी इंडिकेट करते हैं, सो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें। मैं आपको ये और समझना है कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो आप बता सकते हैं डेट हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर, इज द रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, ठीक है, आरबीसी की लाइफ स्पैन की अगर मैं आपसे बात करूं तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, ये होती है आपकी 120 डेज की लाइफ स्पैन आपकी आरबीसी की होती है। देखिए ये लाइफ स्पैन आपकी वेरी कर सकती है अगर कंडीशन कौन सी है, सिकल सेल अनीमिया, अगर यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन है तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लाइफ स्पैन चेंज हो जाएगा। सो सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या होगा, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 डेज हो जाएगी। और चलिए इसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर्स को सर्च करेंगे। सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये बताइए कि हम पूरे एनिमल किंगडम में बात करते हैं, ठीक है, इन कंप्लीट एनिमल किंगडम लार्जेस्ट आरबीसी प्रेजेंट इन। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपको सर्च करना है कि बताइए रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम आपको कहां पर देखने मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको ये बताना है कि स्प्लीन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सो आप बताएंगे स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज। सो ये तीन क्वेश्चंस क्या करेंगे आप लोग, इनके आंसर्स को आप सर्च करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और अब आप ये क्रैश कोर्स देख रहे हैं, ठीक है, अब क्रैश कोर्स देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, साथ साथ नोट्स को जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो क्या होगा, देखिए अभी आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, नोट्स नहीं बनाए तो उसके बाद क्या होगा कि आप भूल जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना परसेंट याद रह जाएगा, 10-20% याद रह जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ बैठ कर अगर नोट्स बना रहे हो आप पूरी ईमानदारी के साथ, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि हाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं। और नोट्स होने का बेनिफिट ये है कि आप जब भी चाहते हो तो फटाफट क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, पूरी वीडियो देखने की दोबारा आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। हम समझते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ल्यूकोसाइट के बारे में। सो ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट का मतलब है WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल की, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाइट ब्लड सेल की हम यहाँ पर बात करेंगे।
अगर हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल की, देखिए व्हाइट ब्लड सेल नाम से पता चल रहा है कि ये कैसे हैं, व्हाइट हैं, या फिर मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये कैसे हैं, कलरलेस हैं। अब ये कलरलेस हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन एबसेंट है, हीमोग्लोबिन एबसेंट। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जो आपके क्या होते हैं आरबीसी होते हैं, रेड कलर के होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन है आपका रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन है नहीं, जिसके कारण ये कैसे हैं, कलरलेस हैं। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर न्यूक्लियस देखने मिलेगा, मतलब ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। और हमने आरबीसी के लिए क्या पढ़ा था, कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, सो ये कैसे, सो आप इनका नंबर ध्यान रखेंगे कि ये लेसर इन नंबर, लेसर इन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये 6000 to 8000 हो सकते हैं पर माइक्रोलीटर, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन का कैसा होता है, शॉर्ट होता है। लाइफ स्पैन कैसा हो जाएगा इनका, शॉर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू आरबीसी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ल्यूकोसाइट को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ल्यूकोसाइट को हम दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। देखिए ल्यूकोसाइट कैसे हो सकते हैं आपके, ये हो सकते हैं आपके ग्रेन्यूलोसाइट और ये हो सकते हैं आपके ए ग्रेन्यूलोसाइट, ए ग्रेन्यूलोसाइट। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जब हम ग्रेन्यूल शब्द का यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। सो मैं आपके लिए यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ ग्रेन्यूल का मतलब। सो ग्रेन्यूल का मतलब होता है, आप बता सकते हैं ग्रेन्यूल होते क्या है, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर। और ये किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि ग्रेन्यूल कहाँ होंगे। सो मैं आपसे कह रहा हूँ ग्रेन्यूलोसाइट, तो आप मुझसे कह सकते हो अच्छे सर आप कह रहे हो ग्रेन्यूलोसाइट, इसका मतलब है सर आप हमें बताना चाह रहे हैं कि इसमें ग्रेन्यूल होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आप इसमें आपको एग्जांपल, एग्जांपल तो नहीं, मतलब इसमें आपको ग्रेन्यूलोसाइट में याद रखना है कि कौन कौन से क्या आएंगे यहाँ पर, डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे। सो यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आपको न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आपको इसिनोफिल के बारे में पढ़ना है, इसिनोफिल के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर आपको बेसोफिल के बारे में पढ़ना है, बेसोफिल के बारे में यहाँ पर आप पढ़ोगे। सो देखिए आपके पास यहाँ पर तीन चीजें आ गई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा कह सकता हूँ आपके पास क्या आ गया, ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर बैन, ठीक है, बैन, बैन से क्या हो जाएगा हमारा, बी से हो जाएगा बेसोफिल, ई से हो जाएगा इसोफिल, एन से क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रोफिल। सो ये तीन चीजें क्या, ये तीनों क्या हो गए, ग्रेन्यूलोसाइट हो गए, मतलब इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ए ग्रेन्यूलोसाइट की, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका मोनो, आपका मोनोसाइट, और यहाँ पर आ जाएगा लिम्फोसाइट, क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट। और आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है, ए ग्रेन्यूलोसाइट है, ए ग्रेन्यूलोसाइट को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर बी है आपका इसिनोफिल, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेसोफिल, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मोनोसाइट। सो अब आप क्या करोगे, इसके आंसर को आपको ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये हम देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में मैंने आपको दो चीजें बताती हैं कि यहाँ पर अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ल्यूकोसाइट हैं ये कैसे हो सकते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट हो सकते हैं या ए ग्रेन्यूलोसाइट। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, ग्रेन्यूलोसाइट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, और ये किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। और ए ग्रेन्यूलोसाइट में क्या होगा, आपको ग्रेन्यूल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो ये बातें छोटी छोटी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। सो इसमें हम चलिए सबसे पहले किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बेसोफिल के बारे में। सो बेसोफिल के बारे में देखिए पहला पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा बायलोब्ड न्यूक्लियस, बायलोब्ड न्यूक्लियस आपको देखने मिलता है। सो मैं यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। सो बेसोफिल में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस में आप कह सकते हैं बायलोब क्या है, न्यूक्लियस है। सो इस तरीके से कुछ आप बना लेंगे, और यहाँ पर ये मैं डॉट से जो इंडिकेशन कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही ग्रेन्यूल्स के लिए कर रहा हूँ।
दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे इसमें बेसोफिल्स के लिए, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? यह इन्वॉल्व होता है आपकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ये क्या होगा आपका इन्वॉल्व होगा। सो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। और यहाँ से आप क्या देखेंगे, यहाँ से तीन तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं थ्री टाइप ऑफ केमिकल्स यहाँ से क्या हो रही हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो रिलीज थ्री टाइप ऑफ केमिकल। अभी केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं? सो सबसे पहला ध्यान रखेंगे आप, पहला है हिपेरिन, दूसरा है आपका सेरोटोनिन और एक होगा आपका हिस्टामिन। सो ये तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हिपेरिन के बारे में बात कर लेते हैं। सो हिपेरिन की अगर मैं बात करता हूँ, सो ये क्या होता है, एंटी कोगुलेंट। और ये एंटी कोगुलेंट है, सो ये क्या नहीं होने देगा, ये ब्लड को जमने नहीं देगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है सेरोटोनिन के बारे में, कि ये जो सेरोटोनिन है आपका, ये क्या होता है, ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे हिस्टामिन के बारे में, ये क्या है, वैसोडायलेटर। यहाँ पे बैसो शब्द का हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए बैसो शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बैसो शब्द का मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होता है, ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है। सो अब मैं आपसे कह रहा हूँ बैसो डायलेटर मतलब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। सो आप इस तरीके से यहाँ पर उन चीज़ों को याद रखेंगे। सो यहाँ पर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ईसिनोफिल्स। सो अगर हम बात करते हैं ईसिनोफिल्स की, सो ईसिनोफिल्स में आप क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात कि मान लीजिए कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी में क्या हुई है, किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हुई है, या फिर बॉडी में किसी तरह का कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो इसिनोफिल्स के काउंट हैं ये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप डॉक्टर बनेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, आपके पास मान लीजिए कोई पेशेंट आया, और अगर आपको उसमें लग रहा है कि यहाँ पर ये एलर्जिक रिएक्शन हो रही है इन्हें, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले आप उससे लिख के दोगे कि जाइए और अपने इसिनोफिल्स को चेक कराइए कि इसका काउंट बढ़ा हुआ तो नहीं है, और अगर काउंट बढ़ा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई एलर्जिक रिएक्शन या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन तो है। और साथ साथ इसिनोफिल्स के बारे में ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, तो इसके स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अगेन बाइलोब्ड न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से, और साथ साथ क्या होंगे, यहाँ पर आपको ग्रैन्यूल्स देखने मिल जाएंगे। सो मैं ग्रैन्यूल्स को ये डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद है तीसरी चीज आपकी न्यूट्रोफिल्स, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रोफिल्स। सो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, सो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में, कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से मिलेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ मोस्ट अबेंडेंट हैं आपके न्यूट्रोफिल, और इनकी परसेंटेज भी ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं बेसोफिल्स की परसेंटेज, तो ये हो सकते हैं आपके 0.5 to 1%। और अगर हम बात करते हैं ईसिनोफिल्स की, सो ईसिनोफिल्स हो सकते हैं आपके 1 to 6%। और न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो ये होते हैं 60 to 65%। और ये परसेंटेज बेस पर भी मैं अभी आपको लिखवा दूंगा कौन सा कितनी मात्रा में मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है न्यूट्रोफिल के बारे में, कि ये क्या दिखाता है, ये होता है फेगोसाइटोसिस इन नेचर। मतलब ये क्या करेगा, यह जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनगल्फ करते हैं पैथोजेंस वगैरह को। सो इसलिए हमने क्या टर्म यूज़ करा है, यहाँ पर फेगोसाइटोसिस टर्म का यूज़ करा है। देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसके स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर मल्टी लोब बना लेते हैं। सो ये लीजिए बन गया मल्टी लोब, और साथ साथ ये कैसा होगा, यहाँ पर आपको ग्रैन्यूल्स देखने मिलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नंबर फोर है यहाँ पर आपका मोनोसाइट। सो मोनोसाइट के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सो मोनोसाइट के बारे में आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आपको, लार्जेस्ट इन शेप।
दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको न्यूक्लियस जो मिलेगा कैसे शेप में होगा, किडनी शेप में यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने मिलता है, किडनी शेप आपको न्यूक्लियस देखने मिलेगा। तो चलिए हम बनाते हैं एक। सो कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर न्यूक्लियस देखने मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, सो इसका नेचर कैसा होता है, फैगोसाइटोसिस नेचर होता है, फैगोसाइटोसिस इन नेचर। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि मैच्योर मोनोसाइट को, मैच्योर मोनोसाइट को क्या कहा जाता है, मैच्योर मोनोसाइट इज कॉल्ड मैक्रोफेज, इज कॉल्ड मैक्रोफेज या फिर मैक्रोफाज। सो मैक्रोफाज अगर आपके आता है एग्जामिनेशन में तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना, मतलब एग्जामिनर आपसे किसकी बात कर रहा है, एग्जामिनर आप लोगों से बात कर रहा है मोनोसाइट की बात कर रहा है। आई होप कि अभी तक तो आपको सारा समझ आ रहा होगा और नोट्स आप अपने बना रहे होंगे। फिर इसके बाद है आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और इसके परसेंटेज भी ध्यान रख लेना, जो इसकी परसेंटेज होती है, इसकी परसेंटेज कितनी होती है आपकी, 3-7% ये आपके होते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की, लिम्फोसाइट कितने होते हैं आपके, 32-35% क्या होते हैं लिम्फोसाइट होते हैं। सो लिम्फोसाइट में आप क्या ध्यान रखेंगे, सो इसका जो मेन रोल होता है लिम्फोसाइट का किसमें होता है, इम्यून रेस्पॉन्स में इसका मेन रोल होता है, इम्यून रेस्पॉन्स में इसका क्या है, मेन रोल है। सो अगर बात करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स की, सो आपने पढ़ा होगा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के बारे में, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या होता है टी लिम्फोसाइट और क्या होता है बी लिम्फोसाइट। देखिए टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर बता रहा हूँ तो कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को इसमें क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि और भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है। सो इसे हम बिल्कुल ईजिली समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट आपको क्या प्रोवाइड करता करा रहा है, सी एम आई आपको प्रोवाइड करता है। सी एम आई का मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो आप इसे लिख लेंगे, सी एम आई का मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वहीं अगर हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट की, सो बी लिम्फोसाइट के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, एच एम आई। मतलब एच एम आई का मतलब क्या होता है, ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या याद रखना है, अगर हम बात करते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी की, तो इसमें होता क्या है, ये जो आपके टी लिम्फोसाइट हैं ये क्या करते हैं, यह है आपके डायरेक्टली अटैक करते हैं किस पर, पैथोजेंस पर, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डेट यहाँ पे क्या होगा, सेल जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे किस पर, पैथोजन पर, और उसे किल कर देंगे, पैथोजन पर एंड किल, एंड किल। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एच एम आई की, ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी की, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। फिर एंटीबॉडी का जब फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पैथोजन्स को क्या करा जाएगा, किल करा जाएगा, किल पैथोजन। सो मुद्दे की बात, सीधी सीधी बात है, क्या क्या ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर बात करते हैं लिम्फोसाइट की, तो दो तरह के लिम्फोसाइट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, टी लिम्फोसाइट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सी एम आई, मतलब सेल मीडिएट इम्यूनिटी। और सेल मीडिएट इम्यूनिटी में क्या होता है, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये किस पर अटैक करते हैं, ये डायरेक्टली पैथोजन के सेल पर अटैक करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ पैथोजन पर अटैक करते हैं, उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, बी लिम्फोसाइट पहली बात कैसी इस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने केमिकल्स के लिए क्या कह सकता हूँ, मैं एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, फिर पैथोजन को किल करेंगे। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लिम्फोसाइट के बारे में आप ध्यान रखेंगे, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस देखने मिलता है। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पर ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में मैंने ग्रैन्यूल्स यहाँ पर नहीं बनाए हैं। ग्रैन्यूल्स क्यों नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ए ग्रैन्यूलोसाइट। चलिए अब हम फॉर्म एलिमेंट में दो चीज़ें कवर कर चुके हैं, हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं एरिथ्रोसाइट, हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं ल्यूकोसाइट, और अब हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, हम यहाँ पर कवर करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। सो देखिए प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट दो चीज़ें हैं,
अलग अलग हैं, बट एनसीईआरटी क्या कहती है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेटलेट। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी को ही वैल्यू देंगे, एनसीईआरटी को ही हम इंपोर्टेंस देंगे, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले प्लेटलेट के बारे में समझ लेते हैं। सो प्लेटलेट की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन है किस चीज़ में इन्वॉल्व है, यह इन्वॉल्व होती है क्लोटिंग में। सो किस में इन्वॉल्व होती है, क्लोटिंग में इनका मेन फंक्शन है। सो क्लोटिंग क्या हो गई यहाँ पर, मेन फंक्शन। और अभी हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग का पूरा प्रोसेस, वो भी डिटेल में। सो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्लोटिंग का मेन फंक्शन है, तो इसमें समझना पड़ेगा आपको कि देखिए क्या होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में आपको इस एक स्पेशल सेल मिलते हैं, ठीक है, मतलब क्या मिलेंगे आपको, कुछ स्पेशल सेल्स मिलेंगे, और इन स्पेशल सेल्स को आप क्या कहोगे, इन स्पेशल सेल्स को कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं शब्दों को ब्रेक करता हूँ, मेगा का मतलब क्या हो जाएगा, मेगा का मतलब हो जाएगा लार्ज, कैरियो का मतलब क्या हो जाएगा न्यूक्लियस, और साइट का मतलब क्या हो जाएगा सेल। सो अब आपके दिमाग में एक रफ सी इमेज आनी चाहिए कि हाँ भाई सर कह रहे हैं मेगा कैरियोसाइट, मेगा का मतलब सन ने बताया लार्ज है, कैरियो का मतलब सन ने बताया न्यूक्लियस है, और साइट का मतलब बताया सन ने सेल है। तो क्या कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट एक रफ डायग्राम बना के समझ लें, कुछ इस तरह का हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट क्या होता है, डिवाइड होता है, क्या होता है भाई, डिवाइड होता है, और ये डिवाइड हो गया क्या, अब ये डिवाइड हो गया कुछ इस तरीके से, और आपका क्या बन गया, इससे प्लेटलेट्स बन गए हैं, क्या बन गए भाई, ये प्लेटलेट्स बन गए हैं। अब आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, सो यहाँ पर प्लेटलेट्स बने और पॉइंट का याद रखने, देखिए प्लेटलेट में कभी भी न्यूक्लियस नहीं मिलता, सो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। सो यहाँ पर अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पर आपने तो यहाँ पर ये डॉट से क्या इंडिकेट कर रहे हो, सो मैं आपको बता देता हूँ मैंने डॉट से क्या दिखाया, फैट। सो हमेशा ध्यान रखेंगे जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें आपको क्या दिखाई देता है, फैट का डिपोजिशन दिखाई देता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता ये क्या है, फैट है। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। सो थ्रोम्बोसाइट में क्या अंतर होता है, देखिए थ्रोम्बोसाइट की अगर मैं शेप की बात करता हूँ, सो पहले प्लेटलेट की आपको शेप बता देता हूँ, शेप कैसी होगी इसकी, स्पेरिकल शेप होगी, और वहीं अगर हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की शेप कैसी होगी, स्पिंडल शेप होगी, कैसी शेप होगी भाई, स्पिंडल शेप होगी। सो कुछ इस तरीके से होते हैं थ्रोम्बोसाइट, और आपको यहाँ पर क्या देखने मिलता है, थ्रोम्बोसाइट में न्यूक्लियस देखने मिलता है। वैसे थ्रोम्बोसाइट आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स आपको देखने मिलेंगे एम्फीबियंस में, और आपको किसमें देखने मिलेंगे, रेप्टाइल में आपको देखने मिलते हैं। वहीं प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स किसमें देखने मिलेंगे, आपको ह्यूमंस में देखने मिलेंगे। देखिए दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, प्लेटलेट भी डिफरेंट है, थ्रोम्बोसाइट भी डिफरेंट है। आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर आप आगे चल गए MBBS BMS जो भी करते हैं उस समय तो आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंपोर्टेंस किसे देनी है, NCERT को ही इंपोर्टेंस देनी है। और हमसे NCERT ने एक बात कही है, हमसे NCERT कहती है कि डेट प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कोल्ड या थ्रोम्बोसाइट इज ऑल्सो कोल्ड थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कोल्ड थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो कोल्ड प्लेटलेट्स। तो आप ये क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, और ये डायरेक्ट लाइन किसमें दी गई है, आपको NCERT ने दी है। सो इसे ध्यान रखना है, और एग्जामिनर अगर आपको देता है तो आपको NCERT के फेवर में ही अपने आंसर को मार्क करना है।